फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल म्यूचुअल फंड्स, यानी अगर हमें म्यूचुअल फंड खरीदना है तो कौन से प्लेटफॉर्म से खरीदे। और उसमें मैंने बताया था आपको कि हमें जो खरीदना चाहिए अपने म्यूचुअल फंड्स, MFU, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी। म्यूचुअल फंड यूटिलिटी क्या है उसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपको पीछे दिया है। इसको रन करता है एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, और उसके बाद जितने भी AMC हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो इसलिए ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके पास कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। प्लस जितने भी AMC हैं सबके फंड्स आपको एक जगह अवेलेबल होगा, तो इसलिए आपके लिए ये बेटर है म्यूचुअल फंड्स यूटिलिटी का। आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स यूटिलिटी के लिए हमें अपना कॉमन अकाउंट नंबर क्रिएट करना होता है। कॉमन अकाउंट नंबर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉमन अकाउंट क्रिएट करने के लिए कैसे हम कॉमन अकाउंट क्रिएट करें, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप थोड़े समय में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कॉमन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉमन अकाउंट क्रिएट करने के लिए कैसे हम स्टार्ट करें और कैसे यहाँ से सारी चीजें करेंगे, हम एक एक करके हम जितने भी इस म्यूचुअल फंड्स यूटिलिटी पर MFU पर आपके जितने भी फायदे हो सकते हैं सारा मैं आगे आने वाले वीडियोज में कंप्लीट करूंगा। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए। प्लस टेलीग्राम पे आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू ओपन कॉमन अकाउंट नंबर इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में हम कॉमन अकाउंट नंबर कैसे खोलें, इसमें क्या क्या चीजें सावधानी बरतनी है हमें कॉमन अकाउंट नंबर बनाने के लिए। जैसे कॉमन अकाउंट नंबर जस्ट लाइक अ पैन नंबर, जैसे यहाँ पर कैन नंबर है उसी तरह से पैन नंबर है, यानी एक बार आपका एक ही कैन हो सकता है, एक ही पैन हो सकता है। तो उसको हम समझते हैं आज कि हम कॉमन अकाउंट नंबर कैसे बनाएंगे अपने म्यूचुअल फंड्स के लिए। और कॉमन अकाउंट नंबर से जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या क्या फायदे हैं, अगर आपने एक बार कॉमन अकाउंट नंबर बना लिया तो आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपने पहले भी कहीं से भी लिया हुआ है, चाहे आप ईटी मनी से लिया हो, रेगुलर लिया हो, डायरेक्ट लिया हो, या आप ATM से लिया हो, या कहीं से भी आपने परचेज किया है, कॉमन अकाउंट नंबर में सभी आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं सभी म्यूचुअल फंड्स आपको दिखेंगे, वहां से हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं कॉमन अकाउंट नंबर खोलने के प्रोसेस पर। सो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको करना है गूगल खोल लीजिए या अपना वेब ब्राउजर खोल लीजिए, जो भी आपके पास वेब ब्राउजर है, और वहां पर टाइप कीजिए MFU India। ठीक है, MFU India आप टाइप करेंगे, जैसे MFUINDIA.com, MFUINDIA.com आप टाइप करेंगे तो आपको वेबसाइट खुलकर आ जाएगा, जहां पर आप, मैं भी यहाँ पर टाइप करके देख लेता हूँ आपको, MFUIndia.com, ये वेबसाइट खुलकर आपके सामने आ गया है MFU का, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी का। अगर आप चाहें तो इसके लिंक भी नीचे दिए हुए, आप वहां से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप MFU India पर चले जाएं और यहाँ पर आप देखें म्यूचुअल फंड्स का एक CAN लिखा हुआ है, ओपन अकाउंट नंबर, राइट। तो जो ये आपका MFU India के जो ये वाला एरिया है, इस एरिया पर अगर आप क्लिक करते हैं, ये वाला जो एरिया ओपन अकाउंट नंबर, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नया पेज खुलकर आ जाएगा। चलिए हम क्लिक करके देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक किया तो ये आपका फर्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आपको ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको email ID या मोबाइल नंबर डालना है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो अपना अपना email ID या अपना मोबाइल नंबर डालिए, इससे कोई नहीं है, केवल ये एप्लीकेशन के लिए है, आपको ओपन फॉर्म के लिए है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहे तो किसी का भी अपना कॉमन अकाउंट नंबर खोल सकते हैं, अगर आप एडवाइजर नहीं है, आप अपना खोलना चाहते हैं तो सिंपल अपना मोबाइल नंबर डालिए और उसके बाद ओपन कर दीजिए। जैसे कि मैं कुछ भी कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर I am not robot करके, यहाँ पर लुकअप नहीं करना है। लुकअप उसके लिए होता है जो अगर आपने पहले कोई फॉर्म बना रहे हैं और उसको आपने होल्ड किया या छोड़ रखा है, तो दोबारा उसको लुकअप इसलिए करे जाते हैं, तो इसलिए लुकअप आपको नहीं करना है, आपको न्यू फॉर्म
पर क्लिक करना है। न्यू फॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर देखो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर नहीं लिखा था जानबूझकर ताकि ये आपको पता चले, तो अगर आप मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ ताकि आपको ये पता चल सके ये मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या होता है। फिर हम न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे, जैसे न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है चॉइस ऑफ ई कैन रजिस्ट्रेशन। ई कैन यानी इलेक्ट्रॉनिक हम खोल रहे हैं इसलिए इसको ई कैन बोलते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स ही रखना है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ध्यान दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है ARN नंबर, और आपको ARN नंबर डालना है और अपना EEYN नंबर डालना है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और आप अपना कैन नंबर खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। याद रखिए आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो आप डायरेक्ट फंड या रेगुलर फंड दोनों में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आप रेगुलर फंड सेलेक्ट करेंगे तब आपको ARN नंबर मांगेगा किसी का, अदरवाइज आप सीधे के सीधे जो भी डायरेक्ट फंड्स आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप यहां से कर सकते हैं। तो कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि क्या हम डायरेक्ट फंड्स कर सकते हैं कि नहीं, तो म्यूचुअल फंड यूटिलिटी से चाहे आपका डायरेक्ट फंड हो, रेगुलर फंड हो या कोई भी फंड हो, सब कुछ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो ARN नंबर डालिए, EY नंबर डालिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो भी आपके क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपका ARN कोड मैप होकर आएगा। अब आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये सब छोड़ देना है, ARN नंबर और EYN नंबर। सिंपल आपको यहाँ पर होल्डिंग नेचर सेलेक्ट करना है। होल्डिंग नेचर में आपके पास ऑप्शन होता है, आप सिंगल खोलना चाहते हैं, ज्वाइंट खोलना चाहते हैं, एनी वन या सर्वाइवर खोलना चाहते हैं, ठीक है। एनी वन सर्वाइवर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने ज्वाइंट खोला है जिसमें एनी वन सर्वाइवर सेलेक्ट किया है तो दो आदमी, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर इंडिविजुअल किया है एनी वन सर्वाइवर, राइट। तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटस, यहाँ पर ज्वाइंट होल्डर जो आपके हैं दो तीन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो एनी वन सर्वाइवर में जैसे ही आप एनी वन सर्वाइवर करेंगे तो आप कितने होल्डर, कितने लोग मिलकर इसको खोलना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कई लोग हस्बैंड वाइफ मिलकर करते हैं। तो एनी वन सर्वाइवर में जब ज्वाइंट आप खोलते हैं तो एनी वन सर्वाइवर कीजिए, एनी वन जब आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि इन फ्यूचर कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो दोनों आदमी को वहां पर अप्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ता और एक आदमी के अप्रूवल से भी ये काम हो जाता है, चाहे वो रिडेम्पशन हो या फिर आपको परचेज हो। तो इसलिए मैंने ये आपको बोला कि जब एनी वन सर्वाइवर आप करते हैं तो ज्वाइंट वाले में बहुत बढ़िया रहता है, अदरवाइज अगर आप ज्वाइंट कर देते हैं तो उसमें दोनों आदमी के पास अप्रूवल जाता है, दोनों आदमी को अप्रूव करना पड़ता है, अकाउंट भी ज्वाइंट होना जरूरी होता है। तो आप ये समझ गए। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमें यहाँ पर मान लीजिए कि हम सिंगल कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं तो सिंगल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर इन्वेस्टर कैटेगरी आपको चूज करना है, आप इंडिविजुअल खोलना चाहते हैं, बच्चे के लिए खोलना चाहते हैं या कंपनी के लिए खोलना चाहते हैं। अगर कंपनी के लिए खोलना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटर आप सिलेक्ट करेंगे या बच्चे के लिए खोलना चाहते हैं तो माइनर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही माइनर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे होल्डर दो दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअल करते हैं, इंडिविजुअल मान लीजिए आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल एक होल्डर लिखा हुआ आएगा। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम पे डाला हुआ है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपल आपने अगर मान लीजिए हम इंडिविजुअल करते हैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, उसके बाद टैक्स स्टेटस पे जाना है। टैक्स स्टेटस में आपको चूज करना है, जैसे टैक्स स्टेटस में हमारे पास आता है क्या क्या चीजें आ रही है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है रेजिडेंस इंडिविजुअल, ठीक है, तो रेजिडेंस इंडिविजुअल आप कीजिए। अगर आप NRI हैं तो NRI कीजिए, आप NRI NRO हैं तो वो कीजिए, PIU हैं तो कीजिए, ये सभी लोग अपना ये कॉमन अकाउंट नंबर खोल सकते हैं। तो मैक्सिमम
केसेस में रेजिडेंस इंडिविजुअल्स, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद हमें चल जाना है सेकेंड पेज पे, या फिर आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए ऑटोमेटिक, तो नेक्स्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर चला आएगा। यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट का डिटेल देना है, देखिए अपना डिटेल देना है, सॉरी बैंक अकाउंट नहीं, अपना डिटेल देना है जिसका आप कॉमन अकाउंट नंबर खोल रहे हैं। तो मान लीजिए कि मैं अगर अपना अकाउंट खोलना चाहता हूँ तो मुझे अपना नाम यहाँ पर डालना होगा और अपना डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपके पैन कार्ड पर हो, पैन कार्ड का डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड का नाम, ये जो आपके हैं जो पैन कार्ड से मैच होनी है, तो ये दोनों आपको यहीं पर होना चाहिए। उसके साथ आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है, तो जैसे पैन नंबर डालेंगे ये स्टार स्टार करके हो जाएगा, उसको रीवेरीफाई करने के लिए दोबारा यहाँ पर अपना पैन नंबर डालेंगे, ठीक है। तो ये पैन नंबर आपको दो बार यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास लैंडलाइन है तो डाल दीजिए, अन्यथा छोड़ दीजिए, केवल अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, और ईमेल आईडी आप डाल दीजिए और छोड़ दीजिए, इसको आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप नीचे इसको स्क्रॉल करते हैं, ईमेल आईडी के बाद अब आपको यहाँ पर मांग जाता है कि एडिशनल केवाईसी डिटेल, केवाईसी डिटेल्स इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इन सब के लिए सबसे पहले आपको अपना केवाईसी होना चाहिए। अगर आपने केवाईसी नहीं किया है, और केवाईसी है या नहीं उसको चेक कैसे करना है, तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियोस मेरे दिए हुए हैं इस चैनल पर, आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका केवाईसी है कि नहीं है। केवाईसी नहीं है तो सबसे पहले अपना केवाईसी आप कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमें एडिशनल केवाईसी डिटेल्स में क्या डालना है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रॉस एनुअल इनकम या नेटवर्थ, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं कहूँ ग्रॉस एनुअल इनकम मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर जैसे ग्रॉस एनुअल इनकम आप सिलेक्ट करेंगे, आपके पास आ जाएगा ग्रॉस एनुअल इनकम आपकी कितनी है, एक से एक लाख से नीचे, एक से पाँच, पाँच से दस, जो भी स्लैब है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सोर्स ऑफ वेल्थ आपको सिलेक्ट करना है कि सैलरी से आपकी इनकम है, बिजनेस से इनकम है, गिफ्ट है, इंस्टल प्रॉपर्टी है, रेंटल इनकम है, प्राइज मनी है, लॉयल्टी है, या कोई और है। तो मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी इनकम है या बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर लीजिए। ऑक्यूपेशन क्या है, तो अब बिजनेस है, अगर हमने यहाँ पर बिजनेस लिखा है तो यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, अगर हमने यहाँ पर सैलरी लिखा है तो यहाँ पर प्राइवेट या पब्लिक जो भी है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, पब्लिक बिजनेस, तो अगर हमने सैलरी सेलेक्ट किया तो प्राइवेट करेंगे। इसी तरह से पॉलिटिकल एक्सपोजर, अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं आप, तो आपको यस करना है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। और KRA एड्रेस में रेजिडेंशियल या बिजनेस, आपका घर यहाँ पर है या आप बाहर से आकर आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हैं, या रेजिडेंशियल, मैक्सिमम रेजिडेंशियल होता है, बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, तो जो भी आपके लिए सुटेबल है सिलेक्ट कीजिए। मैक्सिमम केसेस में रेजिडेंशियल्स KRA एड्रेस टाइप होता है। और हम इसको आगे बढ़ जाते हैं, अदर और अदर्स ये हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है डालने का। ये डालने का तब ऑप्शन आएगा जब यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे अदर, जैसे अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अदर क्या चीज़ों की इनकम है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरह से ऑक्यूपेशंस में जब आप अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा लिखने के लिए, तो इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर आता है फटका डिटेल्स, ठीक है। फटका डिटेल्स में कुछ नहीं है, यहाँ पर अगर आप फॉरेन रेजिडेंसी आपके पास है तो यस करना है, अन्यथा मैक्सिमम केसेस में नो होता है तो आप नो कीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ डालिए अपना, ठीक है, कंट्री ऑफ बर्थ डालिए, कंट्री ऑफ सिटीजन डालिए, और कंट्री ऑफ नेशनलिटी डालिए, इसमें इंडियन इंडियन इंडियन, अगर हम सभी लोग इंडियन हैं तो हमें इंडिया 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 सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, नेक्स्ट वाला कॉलम पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा बैंक डिटेल्स, क्योंकि मैं फिल नहीं कर रहा हूँ तो अगर नेक्स्ट करूँगा तो फिर वो क्वेश्चंस पूछेगा कि ये फिल नहीं है तो आप फिल करो, इसलिए मैंने सीधे यहाँ पर बैंक डिटेल्स पर आ गया। तो बैंक डिटेल्स पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। जैसे बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे ये फिर से स्टार 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 करके आ जाएगा, इसको रीवेरीफाई करने के लिए दोबारा हम बैंक डिटेल्स यहाँ पर ऐड करेंगे। दोनों मैच होगा तब जाके आगे प्रोसेस होगा। उसके बाद
आपको सिलेक्ट करना है, आप जो बैंक डिटेल दे रहे हैं वो वेरीफाई करना है कि आपका बैंक डिटेल्स क्या है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, या जो भी आपके बैंक अकाउंट है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिए, अगर आप सेविंग अकाउंट दे रहे हैं तो आपका नाम उस पर होना चाहिए, अगर आप करेंट अकाउंट दे रहे हैं तो फिर वहाँ पर क्योंकि आपका तो नाम होगा नहीं तो करेंट अकाउंट इसमें आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर आपके लिए कंपनी वाला अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम सेविंग अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद बैंक, जो बैंक होगा उसको डालेंगे, MICR डालेंगे, IFSC डालेंगे और उसके आगे हम बढ़ जाएंगे, हम प्रूफ क्या देने वाले हैं कंपनी को। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास तीन चार चीज़ें आते हैं, लेटेस्ट बैंक पासबुक। बैंक पासबुक जब आप देते सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको फर्स्ट पेज और लास्ट पेज अपडेटेड वाला जो पेज है दोनों की कॉपी होनी चाहिए। लेटेस्ट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जब ये आप स्टेटमेंट लेते हैं तो आपके जो पेज होगा उस पेज पर आपके नाम, MICR, IFSC मेंशन होना चाहिए और लेटेस्ट अपडेटेड जो आपका पेज हो वो होना चाहिए। अगर आपके पास चेक कॉपी है तो चेक कॉपी लगाइए, और बैंक लेटर है यानी बैंक से आपने कोई लेटर लिया है कि यस ये अभी अभी अपने अकाउंट खोला है तो वो है, तो उससे भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। चेक कॉपी पे नाम होना जरूरी है, नेम प्रिंट नहीं है तो आप चेक कॉपी नहीं लगाएंगे, आप पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। बैंक स्टेटमेंट में कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास स्टेटमेंट आ रही है तो स्टेटमेंट में आपका अकाउंट लिखा लिखा रहता है और फिर क्रॉस 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 करके फिर लिखा लिखा रहता है, तो ये वाला आपको नहीं चलेगा, आपका पूरा का पूरा आपका कैन रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका बैंक पूरा वहां पर सिस्टम पे नहीं दिख रहा है। तो इसलिए आपको इस केस में क्या करना होगा, आपको वैसा स्टेटमेंट लेना होगा जिसमें आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट दिखे, अन्यथा आप उसको अपने एडिटर से एडिट कीजिए और उसमें पूरा बैंक अकाउंट डालकर फिर आगे प्रोसेस कीजिए। तो इस टाइप से इसको हम बैंक अकाउंट डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप सेकंड बैंक भी ऐड करें, थर्ड बैंक भी ऐड करें तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन सभी बैंक में आपको ये सारे प्रूफ एज इट इज देना जरूरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका कैन उस समय तक के लिए अप्रूव नहीं होगा जब तक आप डिटेल प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद आप चले जाइए नॉमिनी डिटेल पे। नॉमिनी डिटेल्स अब देना जरूरी है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि नॉमिनी डिटेल अब मस्ट हो गया है क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है कि आपका नॉमिनी डिटेल्स होना जरूरी है। अगर आप तो इन सारी चीजों में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए नॉमिनी डिटेल इंपॉर्टेंट है, नॉमिनी डिटेल जरूर कीजिए। अगर नॉमिनी डिटेल नहीं है, नहीं डालना है तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है नो, आई या वी डिक्लेयर टू ऑप्ट आउट, यानी आपको नॉमिनी नहीं देना है। और दूसरा यहां पर जैसे यस करेंगे तो आपको नॉमिनी देने के लिए आपके पास चीजें सामने आ जाएंगी जिसमें आपको नॉमिनी का नाम, रिलेशनशिप, परसेंटेज कितना रखना है और डेट ऑफ बर्थ, ये मैंडेटरी है आपको डालने ही डालने हैं, ठीक है। एक नॉमिनी रखना है तो एक का डिटेल डालिए, दो दो तीन जितना भी रखना है आप रख सकते हैं नॉमिनी डिटेल्स, तो यहाँ पर नॉमिनी डिटेल डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी पर सारा आपका म्यूचुअल फंड्स का कैन अप्रूवल डिपेंड करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने जो आप जिसका भी कैन अप्रूव करना चाहते हैं उसका आप यहाँ पर आपको लगाना है पैन कार्ड की कॉपी। पैन कार्ड की जो कॉपी लगाएंगे उसमें नीचे सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर की जरूरत है और ये सिग्नेचर जो पैन कार्ड पर है वही मैच करना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, जो पैन कार्ड पर सिग्नेचर है वही सिग्नेचर नीचे आप साइन करके उसको फोटोकॉपी लगाएंगे तब जाके ये अप्रूव्ड होगा। तो सिग्नेचर पैन कार्ड से मैच होना चाहिए, अगर मैच नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपने सिग्नेचर वेरिफिकेशन बैंक से करवा के देना होगा। इसलिए आप पैन कार्ड पे जो साइन है वही साइन नीचे आप करके फिर उसकी कॉपी कीजिए और लगाइए। उसके बाद दूसरा आता है बैंक प्रूफ। बैंक प्रूफ में आपको अपना कैंसल चेक जिसपे नाम लिखा हो और
या अगर कैंसिल चेक नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे जिसमें सारी डिटेल्स जो मैंने पहले बताया है वो होना चाहिए। अगर हम बच्चे के लिए अकाउंट खोलते हैं तो उसमें आपका पैन होना चाहिए, ठीक है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, बच्चे का जो बैंक स्टेटमेंट है वो लगाना जरूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए भी अगर आप माइनर अकाउंट खोलते हैं तो उसमें भी उनका अकाउंट होना जरूरी है, तभी जाकर आपका अकाउंट खुलेगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आपको जेपीजी फाइल ही अपलोड होगा, जेपीजी बीएनपीएनजी और ये जो फाइल्स होते हैं यही अपलोड होती हैं, तो इसमें इसकी साइज भी आपको छोटे रखनी है, ज़्यादा बड़े साइज नहीं रखनी है, और ये सब लगाकर आप इसको अपलोड कर दीजिए। जैसे अपलोड करेंगे इमीडिएट आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद नीचे जाएंगे टर्म एंड कंडीशन सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको इमीडिएट एक कैन नंबर अलॉट हो जाएगा, और वो कैन नंबर आपके लिए हो गया परमानेंट कैन नंबर। उसके बाद उस कैन पर आप आगे हमें क्या करना है दूसरे वीडियोज में आपको बताऊंगा कि कैन जनरेट होने के बाद हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उसको हम उससे अपने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप कैन जनरेट कर लीजिए, नहीं किया है तो बहुत बढ़िया है। एक फ्रेंड्स का मेरा क्वेश्चन था कि एमएफ सेंट्रल से एमएफयू कैसे बढ़िया है, तो एमएफ सेंट्रल में कई सारी चीजें नहीं है जो कि, क्योंकि एमएफ सेंट्रल क्या है, एमएफ सेंट्रल आपको कार्वी और कैम्स मिलके रन करती हैं, और इसमें उतनी फैसिलिटी नहीं है जितना एमएफ यूटिलिटी पर है, जो हम इस सारे वीडियोस में जैसे जैसे वन बाय वन करके हम देखते जाएंगे, और आपको फैसिलिटीज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पर है जो आपको एमएफ सेंट्रल पर नहीं है। इसके मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट है MFUCAN, MFU कैन, यानी कैन से रिलेटेड जितने भी आपके वीडियो जाएंगे इसमें रहेगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा आपको समझना और उसको मेंटेन करना। अगर आप नए हैं तब भी आपके लिए बेटर हो जाएगा कि इसको कैन ओपन करके कैसे कैसे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कैन जनरेट कीजिए और देखिए क्या दिक्कत आ रही है, तो मुझे आप नीचे कमेंट्स कीजिए या मेरे टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा सॉल्व करने के लिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।